हम सभी ने अपने अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में कभी ना कभी तो ऐसे लोगों से मिला ही होगा जो हमेशा क्लास में अकेले ही रहना पसंद करता है और किसी से भी ज्यादा घुल मिल के नहीं रहता है, जो हमेशा ही क्लास में अकेली एक कोने में बैठी रहती है, जिसको देख के सभी को ये लगता है कि ये तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी होगी और ये किसी का बुरा तो क्या ही कर लेगी। फिर ग्रेजुएशन के 5 साल के बाद आप लोगों को ये सुनने को आता है कि वही लड़की जो क्लास में अकेली बैठी रहती थी, किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, उसने किसी का बहुत ही ब्रूटली मर्डर कर दिया है। हेलो, मेरा नाम है मिभिया लंगसा एंड वेलकम टू द केस स्टडी ऑफ जूंग यू जूंग, अ साउथ कोरियन इनोसेंट लुकिंग सीरियल किलर। जूंग यू जूंग एक 23 इयर्स का साउथ कोरियन लड़की बुसान सिटी में रहा करती थी। ओके, तो जूंग यू जूंग नाम मुझे बहुत ही लंबा लगता है, तो इसे मैं शॉर्टली यू जूंग बोलूंगा। तो अब मैं जब भी यू जूंग बोलूंगा तो आप लोग समझ लेना कि मैं जूंग यू जूंग के बारे में बात कर रहा हूँ। यू जूंग बचपन से ही अपने माता पिता से अलग अपने दादा दादी के साथ पली बड़ी थी और यू जूंग जब छोटी थी वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करती थी और उसकी क्लासमेट का ये कहना है कि यू जूंग क्लास में हमेशा अकेली रहा करती थी और किसी से भी ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती थी, और अगर कोई भी पहले यू जूंग से बात करता था तो यू जूंग उन लोग के सवालों का सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देती थी। और हाँ, ऐसा नहीं था कि स्कूल में यू जूंग को बुली किया करते थे, लेकिन फिर भी वो अकेली रहना पसंद करती थी। आप लोगों को यू जूंग की फोटो देख के ये लग रहा होगा कि यू जूंग एक सिंपल लड़की है जो अकेली और रिजर्व रहना पसंद करती है, और इस टाइप की लड़कियां हमेशा पढ़ाई में बहुत ही अच्छी होती है, पर यू जूंग के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यू जूंग एक एवरेज स्टूडेंट था जो हर क्लास में एक एवरेज मार्क्स से पास हो जाती थी, और ग्रेजुएशन के 5 साल तक तो यू जूंग अनएम्प्लॉयड ही रही थी, और इसी के बीच यू जूंग सिविल सर्विस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रही थी। बट सिविल सर्विस के लिए भी आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश आना जरूरी था, तो कि जूंग को नहीं आती थी, उसे अच्छे से इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था, और यू जूंग के इतनी खराब सोशल स्किल की वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था, और ऊपर से यू जूंग की जिंदगी में अब तक उसका कोई भी अच्छी दोस्त बनी ही नहीं थी, इसके वजह से उसका कोई भी स्कूल फ्रेंड्स उससे टच में था ही नहीं, जिसकी वजह से यू जूंग की लोनली जिंदगी में एंटरटेनमेंट का सिर्फ एक ही सहारा था, और वो था ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और ट्रू क्राइम मूवीज। यू जूंग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था एंड शी वाज obsessed with true crime movies. See, true crime movies और true crime documentaries देखना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी देखते हैं, पर यू जूंग के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू जूंग को ना ही सिर्फ true crime documentaries देखना पसंद था, बल्कि उसको ये जानने की भी बहुत ही ज्यादा curiosity थी कि किसी का murder करने के बाद कैसा feel होता है। And then one day she came up with an idea. यू जूंग एक ट्विटरिंग ऐप पे एक हाई स्कूल गोइंग बच्चे की माँ बन के अपने विक्टिम को ढूंढेगी। ट्विटरिंग ऐप एक ऐसा ऐप होता है जिससे आप किसी को भी ऐसा टीचर हायर कर सकता है, और इस टाइप के ऐप साउथ कोरिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। फिर यू जूंग एक दिन एक ट्यूटरिंग ऐप पे ट्यूशन टीचर ढूंढने लगी, ऐसा बोल के कि वो अपने बच्चे के लिए एक इंग्लिश टीचर ढूंढ रही है। फिर ऐसे ही एक ट्यूटरिंग ऐप पे यू जूंग को किम मिलती है। किम एक 23 इयर्स का इंग्लिश टीचर थी जो लोगों को ऑनलाइन इंग्लिश सिखाया करती थी, और वो भी बुसान में ही एक अपार्टमेंट में अकेली रहा करती थी। और फिर यू जूंग ने ट्यूटरिंग ऐप की मदद से किम से बातचीत करना स्टार्ट की, और किम को ये कन्विंस किया कि वो यू जूंग की बच्ची को अपने घर पे ही ट्यूशन दे, और किम बिंग काइंड हार्टेड खुद अकेली रहती हुई भी अपने घर पे बच्ची को बुला के पढ़ाने के लिए तैयार हो गई, और किम को ये पता भी नहीं था कि वो अपने मौत को ही अपने घर बुला रही है, और किम अनजाने में ही अपने मौत को अपने घर बुला रही थी। 26 मई 2023। इस सीसीटीवी फुटेज में आप लोग साफ देख सकते हैं कि कैसे यू जूंग एक स्कूली यूनिफॉर्म पहन के किम के घर जा रही है, और इस काम के लिए यू जूंग अपने बाल तक के कटवा ली थी ताकि वो एक 14 साल की बच्ची लगे। यार, कोई मर्डर करने के लिए ना डेडिकेट कैसे हो सकता है, वो भी बिना कारण, सिर्फ ये जानने के लिए कि मर्डर करने के बाद कैसा फील होता है। ऑलमोस्ट शाम के 5 बजे यू जूंग किम के अपार्टमेंट पहुंचती है, और यू जूंग की भोली शक्ल और यूनिफॉर्म देख के किम ने यू जूंग के अपने घर के अंदर भी बुला लेती है, और फिर यू जूंग घर के अंदर घुसते ही पीछे से एक चाकू निकाल लेती है और 15 से 20 बार किम की गले और चेस्ट वाले पार्ट में चाकू से वार कर देती है, और ये अटैक इतना क्विक और फास्ट थी कि किम को पता भी नहीं चला था कि उसके साथ अभी क्या हुआ, और किम वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। और किम के मरने के बाद भी यू जूंग 20 से 30 बार किम की बॉडी के ऊपर अटैक करती ही रहती है।
और किम की मर्डर करने के बाद भी युजुंग बिल्कुल भी नहीं घबराई और कामली किम के अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती। उसके बाद युजुंग दो अलग अलग मॉल पे जाती है और एक नाइफ, गार्बेज बैग और क्लीनिंग सप्लाईज खरीद के फिर जब मॉल से युजुंग ये सब सामान लेके किम के अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। किम के अपार्टमेंट में वापस आने के बाद वो फिर से किम के अपार्टमेंट से निकल के अपने घर चली जाती है और घर जाके एक ट्रॉली लेके आता है। इसके अंदर वो किम की बॉडी पार्ट को उसी ट्रॉली में भर लेती है और किम की आधी बॉडी पार्ट को एक गार्बेज बैग में डाल के वही किम के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास ही एक डस्टबिन में फेंक देते हैं। और बस इतना ही नहीं था, जब युजुंग किम के अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे तब युजुंग ने किम के ही कपड़े को पहन ली थी। ऐसा नहीं था कि युजुंग के कपड़े गंदे हो गए थे जिसकी वजह से वो किम के कपड़े पहने थे, बल्कि युजुंग ने किम के कपड़े इसलिए पहने थे ताकि लोगों को ये लगे कि वो युजुंग नहीं वो किम है। और ये सब करते करते अब तक बज चुका था रात के 12 बजे। और आप इस लड़की की हिम्मत देख रहे हो, उसने एक बिना बजे एक लड़की की मर्डर कर दी और उसी क्राइम सीन में बार बार आ जा रही है और वो भी बेखौफ। खैर अब तक रात के 12 बज चुकी थी और युजुंग किम के कपड़े पहन के वही बिल्डिंग के पास ही टैक्सी का इंतजार कर रही थी। और जब युजुंग को टैक्सी मिल जाती है तब युजुंग टैक्सी ड्राइवर से ये कहते हैं कि मुझे नागडोंग रिवर ले चलो। फिर युजुंग उसकी ट्रॉली को जिसमें किम की बॉडी पार्ट थी टैक्सी की डिक्की के अंदर डाल देती है और नागडोंग रिवर की ओर चल पड़ती है। लोकेशन में पहुंचने के बाद युजुंग ड्राइवर को कुछ पैसे देती है और ड्राइवर को वहां से जाने को कहती है। लेकिन जब युजुंग टैक्सी की डिक्की से अपनी ट्रॉली को निकाल रही थी तब ड्राइवर ने वहां पे कुछ नोटिस किया कि युजुंग की ट्रॉली से कुछ लीकेज हो रहा है। और युजुंग के जाने के बाद जब ड्राइवर ने अपनी टैक्सी की डिक्की खोल के चेक की, उसकी डिक्की में खून के कुछ धब्बे मिले। और ड्राइवर को युजुंग के ऊपर पहले ही ये शक हो गया था कि एक अकेली लड़की वो भी रात के 12 बजे एक सुनसान नदी के किनारे जंगल में क्यों जाना चाहती है। और ड्राइवर का ये शक डिक्की के अंदर खून के डब्बे देख के एकदम यकीन में बदल गया, जिसकी वजह से ड्राइवर वहीं पे रुक के युजुंग के वापस आने की इंतजार कर रहा था। और जब युजुंग किम की बॉडी पार्ट को वही जंगल में फेंक के वापस आ रही थी तब ड्राइवर ने ये नोटिस किया कि ट्रॉली जो अभी थोड़ी देर में बहुत ही हैवी लग रहा था वो अभी बहुत ही हल्की दिख रही थी। और फिर ड्राइवर ने बिना टाइम गवाए सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। ड्राइवर के कॉल करने के बाद वहां कुछ ही टाइम में पुलिस भी पहुंच जाती है। और जब पुलिस पहुंच जाती है तब पुलिस युजुंग की ट्रॉली को चेक करती है। पुलिस को युजुंग की ट्रॉली के अंदर कोई बॉडी पार्ट तो नहीं मिली, बट वहां पे पुलिस को खून के धब्बे मिले। और पुलिस के पूछने के बाद युजुंग का ये कहना था कि वो उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लड है। और युजुंग के ये सब बोलने के बाद पुलिस वालों को युजुंग के ऊपर थोड़ा शक होने लगा और पुलिस वालों ने एक एम्बुलेंस को बुलाई और युजुंग को अपने साथ हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ये साफ हो गई थी कि ये युजुंग की मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं है। ये पता चलने के बाद युजुंग ने अपना स्टेटमेंट फिर से बदल दी और उसने ये कहा कि उसने खुद से ही एक बच्चे को जन्म दी जिसको वो रखना नहीं चाहती थी और ये ब्लड उसी बच्चे की है। युजुंग के इस स्टेटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने युजुंग की अल्ट्रासाउंड की और ये साफ हो गया कि युजुंग ने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दी थी। इसके बाद पुलिस ने युजुंग को अरेस्ट की और उसे पुलिस स्टेशन लेके गई और फिर युजुंग से इंटेरोगेशन करने लगी। इंटेरोगेशन में युजुंग का ये कहना था कि जब वो किम के घर पहुंच जाती है तब वहाँ पे ऑलरेडी एक इंसान मौजूद था जो किम को मार चुकी थी। और उसने युजुंग को ये बोल के धमकी दी कि अगर उसने किम की बॉडी पार्ट को फेंकने में और ये क्राइम छुपाने में उसकी मदद करेगा तो वो युजुंग को नहीं मारेगा और युजुंग को किम बन के किम की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। और पुलिस ने युजुंग के इस स्टेटमेंट में बिल्कुल भी भरोसा नहीं की। मर्डरर ऐसा ऑफर क्यों देगा कि उसने जिसकी मर्डर किया है फिर किसी दूसरे इंसान को सीक्रेटली वही इंसान बन के जीने देगा। इट डजंट मेक एनी सेंस। और ऐसे ही बहुत सारे उल्टे फुल्टे कहानियां बताकर युजुंग पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। और फिर जब पुलिस ने उसकी इन सारे बातों पे विश्वास नहीं की तब फाइनली युजुंग ने सब कुछ उगल दिया। युजुंग एक्चुअली में ये जानना चाहता था कि किसी का मर्डर करने के बाद कैसा लगता है, कैसा फील होता है। युजुंग का किम को मारने की कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन नहीं था, बल्कि उसने किम को इसलिए मारा क्योंकि वो किसी को मार के देखना चाहता था कि किसी की मर्डर करने के बाद कैसा लगता है। और युजुंग ने पुलिस को ये भी बताया कि उसने ये सब पहले से ही प्लान कर चुका था और उसने किम के साथ साथ और भी 50 लोगों को ट्यूटरिंग ऐप पे कॉन्टेक्ट कर चुकी थी और उन लोगों को भी एक एक करके मारने का प्लान बना चुकी थी।
और उसने ये भी बताया कि उसको मर्डर डॉक्यूमेंट्रीज और ट्रू क्राइम मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और उसकी सर्च स्टोरी में भी पुलिस को ऐसे कीवर्ड मिली कि मर्डर करने के बाद कैसे पकड़ा ना जाए और परफेक्ट क्राइम कैसे करे। और युजुंग ने ये भी बताया कि उसको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है वाचा वो बहुत ही ज्यादा पसंद थी। वाचा एक कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की का मर्डर करके उसी लड़की का लाइफ जीती है। तो यार आज का वीडियो यही तक था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे भी इस चैनल पे और भी ट्रू क्राइम स्टोरीज लाने वाला हूँ। तो अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, पीस।